मॉर्निंग बच्चों, मैं शत्रुधन कुमार चौबे संत माइकल एकेडमी बेतिया छावनी का संस्कृत टीचर। आज मैं आप लोग का 7 क्लास का संस्कृत बुक का पाठ 7 श्लोका का प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूँ। प्रश्न 2 है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है इसको। कौन नंबर है? विनय किम आख्याति, विनय किम आख्याति, क्या बढ़ता है? आख्याति का अर्थ होता है बढ़ना, तो विनय जो है या आख्याति मैंने बनाना, विनय जो है वंश को बनाती है, विनम्रता जो है वंश को, खानदान को बढ़ाती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सज्जना नाम काया केन विभाति, सज्जनों का काया शरीर किसके द्वारा विभाति माने शोभा पाता है? तो परोपकार, दूसरे के उपकार करने से सज्जनों का शरीर शोभा पाता है। हस्तस्य भूषणम किम, हाथ का भूषण क्या है? तो दानम, दान जो है वह हाथ का आभूषण है। पाणि केन विभाति, पाणि माने हाथ होता है, पाणि किसके द्वारा शोभा पाता है? उत्तर में है दानेन, दान के द्वारा पाणि जो है हाथ है शोभा को प्राप्त करता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य उत्तर देना है। देवः कुत्र सहायकः, देवता कहाँ सहायक होते हैं? तो उद्यम साहस धैर्य शक्ति प्राकर्म जत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक, जहाँ उद्यम परिश्रम साहस धैर्य शक्ति और प्राकर्म है वहीं वहाँ पर ही देवता सहायक होते हैं। स्रोतम केन विभाति, खंड नंबर क्वेश्चन है कि स्रोतम केन विभाति, तो स्रोतम श्रुतेन विभाति, एक कान जो है वह अच्छे चीज शास्त्र की चीज सुनने से शोभा को प्राप्त होता है। गण नंबर है खलस्य धनम किमर्थम भवति, खल दुष्ट का धन किस लिए होता है? उत्तर में है कि खलस्य धनम मादाय भवति, खल दुष्ट का धन जो होता है मद अभिमान घमंड दर्प के लिए होता है। नर आचरात किम किम लभ्यते, नर जो हैं आचार से व्यवहार से क्या क्या प्राप्त करते हैं? तो नर आचरात आयु श्रियम कृति च लभ्यते, नर जो हैं आचार से व्यवहार से आयु उम्र श्रियम लक्ष्मी कृति यश को प्राप्त करते हैं। अंगनवाय साधो शक्ति किमर्थम भवति, साधु की शक्ति जो है किस लिए होता है? उत्तर में कि साधु शक्ति रक्षणाय भवति, साधु का शक्ति दूसरे की रक्षा के लिए होता है। प्रश्न नंबर 4 है पाठात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानम भूयत, यहाँ कह रहा है खाली जगह स्नेहा माख्यात, सने आख्याति क्या बढ़ाता है? तो समक भ्रम विश्वास जो है वह स्नेह प्रेम को बढ़ाता है, संभ्रमा का अर्थ होता है विश्वास। खलस्य विद्या विवदाय भवन्ति, खल का विद्या जो है वो विवाद के लिए झगड़ा के लिए होता है, दुष्ट का विद्या झगड़ा के लिए होता है, लड़ाई के लिए। गण नंबर है आचरात आयु श्रियम कृति च लभ्यते, आचार से व्यवहार से आयु लक्ष्मी और यश प्राप्त होता है। दूसरा कि सतस्य कंठस्य भूषणम, सत्य जो है कंठ का आभूषण है। अंगन नंबर है खाली जगह न गजे गजे, मतलब मौक्तिके न गजे गजे, मौक्तिक जो होता है सब हाथी में नहीं होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित विव्यक्ते निर्देशम को, शक्ति प्रथमा, खनवर साहसम द्वितीया,
गन्वनाचारात् पंचमी घ स्रोतस्य षष्ठी अंगभूषणै तृतीया च नंबर पीड़नाय चतुर्थी विभक्ति है। फिर यह प्रश्न छ नंबर निम्नलिखित पादानाम विलोम पदम लिख धैर्यम अधैर्यम परोपकार पीड़नाय पीड़नाय परोपकार या रक्षणाय आचार अनाचार कृतिम अकृतिम साधु दुष्ट या प्रजावक विलोम शब्द है। उसके बाद प्रश्न सात आता है कि निम्नलिखित शब्दानाम संस्कृतस्य लघु वाक्येषु प्रयोगम कुरु देव देव सहायक भवति देव सहायक होते हैं काया से बना है काया में शरीर होता है परोपकार ही काया शोभ्यते परोपकार के द्वारा यह काय शरीर शोभा को प्राप्त करता है। भोजन है तो माता भोजन में पचती माता भोजन पकाती है। आचार साधु आचरम अनुगछती साधु जो हैं आचार सदाचार व्यवहार के पीछे जाते हैं जैसा व्यवहार कीजिएगा वैसा उसी के पीछे साधु भी जाते हैं या प्रत्येक व्यक्ति भी आचार व्यवहार के अनुगछती जाते हैं। यह आपका क्वेश्चन आंसर हुआ। इसके आगे हम अगले पाठ को फिर से पढ़ाएंगे और फिर उसका क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे। इसलिए इसको फिर कॉपी में खूब अच्छे ढंग से आप लोग बना लीजिएगा और अपना अपना कॉपी आकर लाकर क्लास में चेक भी करा लीजिएगा। धन्यवाद।